हे प्यारे मेरे दोस्तों एंड साथियों, आप सभी का फिर से एक न्यू अनबॉक्सिंग में स्वागत है। सो दोस्तों, आप सभी का एक ज़्यादा थे का ब्लैक कलर का शूज़ लेके आया हूँ। तो उसके डिजाइन के हिसाब से मैं आपके सामने लाया हूँ ब्लैक कलर का एक कैंपस का शूज़, जो बहुत मस्त शूज़ है। और बात करेंगे डिटेल में किस प्रकार का क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। तो लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है, नो यूजर इन्वेस्टर चैनल पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड देखें एंड चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर जाए। तो फटाफट से चलते हैं हम बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा, तो बॉक्स आपको एकदम रेड कलर में देखने को मिलता है। कैंपस का ऊपर एक लोगो एंड कंफर्ट टेक्सचर लेकर, और आप देख सकते हैं लोगो वगैरह टर्न करके देखें तो सेम टू सेम आपको भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर प्राइस वगैरह सब देख रखा है। प्राइस के बाद वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं, फटाफट से शूज़ को निकालते हैं। पर लुक्स के बारे में बात करें तो लोग एकदम क्लियर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। कुछ कुछ पॉइंट्स पर आपको एकदम लोगो भी देखने को मिलते हैं। कलर अभी मैंने आपको जैसा बताया कि फुल ब्लैक यूज़ किया गया है। तो सॉल में देखो, चाहे आप ऊपर की ओर मटेरियल के ऊपर सबसे देखो, तो शूज़ का जो कलर है वो एकदम ब्लैक में ही देखने को मिलेगा आपको। कुछ कुछ पॉइंट्स पर गोल्डन प्लेन की मैंने आपको बताई, अभी लोगो भी देखने को मिलते हैं। तो लोगो आपको ऊपर की ओर एक देखने को मिलता है, साइड की ओर देखने को मिलते हैं, दूसरी ओर साइड भी देखने को मिलती है, नीचे की ओर एक सॉल पर लेकर फिलो फॉर्म। उसके बाद बात कर रहे हैं लेसेस के ऊपर, तो लेस की क्वालिटी एकदम ब्लैक कलर में अभी मैंने आपको बताया देखने को मिलती है। एंड वहाँ पर आपको छोटे छोटे गोल्डन कलर के प्लान देखने को मिलते हैं सोबर से, मतलब वहाँ पर आपको आसानी से पता चले। उसके बाद मटेरियल के ऊपर बात करते हैं, मटेरियल एकदम ब्लैक कलर का साथ है, और होल पैटर्न सभी एंगल पर देख सकते हैं। सिर्फ पीछे से देखो चाहे आगे से देखो, एकदम आपको मतलब होल पैटर्न ही देखने को मिलते हैं। साइज़ की बात करें, साइज़ हमेशा आपको 50 करते समय देखना चाहिए, मेड इन इंडिया साइज़ के हिसाब से दिखाएँ। उसके बाद इंसॉल के ऊपर बात करते हैं, इंसॉल आपको एकदम बहुत तगड़ी सी है। फॉर्म स्पंज करके दिखाता हूँ मैं आपको एकदम, तो सॉफ्टवेयर करता हूँ एकदम बढ़िया ही है सबसे, इसमें कोई अभी आपको देखने को नहीं मिलती है। स्पंजिंग एकदम बराबर होती है और हमेशा आपको कंफर्ट रहेगा फील में। अंदर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, किसी भी एंगल से देख लो तो अंदर की एकदम सिलाई उसे बहुत बड़े हैं। बैक में सॉफ्टनेस के ऊपर बात करता है, बैक में एकदम फॉर्म देख रखी है, जो पैर में इतना आपको सेफ एंड अच्छा फील होगा। उसके बाद बैक डिज़ाइन के ऊपर बात करता है, बैक डिज़ाइन मैंने आपको भी बताया कि वॉल पैटर्न देखने को मिलते हैं, एंड सॉल पर भी कुछ प्रकार के आपको इस प्रकार की वॉल पैटर्न देख लेते हो, ताकि बहुत अच्छा मैंने एक हैंडल देखने को मिलता है बैक में। उसके बाद बात करते हैं सॉल के ऊपर, तो सॉल आपको मैंने अभी बताया, यूवा सॉल आपको देखने को मिलेगा, और पीछे को कैंपस का लोगो देखने को मिलता है आपको। बीच में हमने कहा है फिलो फॉर्म, एकदम फॉर्म स्पंजिंग बहुत तगड़ी इसकी। साइड सॉल की बात करते हैं, साइड सॉल एकदम प्लेन सा देखने को मिलता है। कुछ कुछ पॉइंट्स पर पीछे की ओर आपको एकदम छोटे छोटे डॉट देखने को मिलते हैं, आगे की ओर एकदम आपको फिलो फॉर्म सबसे लोगो देखने को मिलता है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल के बारे, तो फ्लेक्स के दौरान शूज़ एकदम स्पंजिंग बराबर हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। एक बार मैंने आपको फ्लेक्स करके दिखाता हूँ, तो एकदम फॉर्म स्पंजिंग बहुत तगड़ी होती है इसकी। उसके बाद बात करते हैं फिटिंग के ऊपर, एक बार बांध लेते हैं लेस, उसके बाद फिटिंग एग्जैक्टली टकाटक फिट है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से मुझे एकदम फिट बैठा है, आप अपने साइज के हिसाब से पहने ताकि आपको ये फिट बैठे। उसके बाद फोल्डिंग की बात करते हैं, फोल्ड के दौरान ये शूज़ बहुत तगड़े हैं, अगर आप ये कंटिन्यू पहन के रखते हैं या अगर रेगुलर पहने के चाहिए आपको। एंड वॉकिंग पर्सनल बात करते हैं तो भी बहुत तगड़ी है फोल्डिंग है, तो इसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं वॉकिंग एंड रनिंग के ऊपर भी, तो वॉक के दौरान ये शूज़ एकदम कंफर्ट हैं एंड लाइट वेट भी हैं। और रनिंग के ऊपर बात करें तो रनिंग तो वैसे भी बेस्ट शूज़ है, इसकी स्पंजिंग भी काफ़ी बेस्ट है और फॉर्म भी बहुत तगड़ी है। और उसके बाद बात करें जंपिंग के ऊपर, तो जंप को जब मैं कर रहा था ये शूज़ पहन कर, तो मुझे एकदम आसानी से सॉफ्टनेस देखने को मिली, और साथ ही में मुझे इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। और बैक स्पंजिंग देख सकते हैं आप, इसके एकदम स्पंजिंग बहुत तगड़ी है, एकदम स्पंज होता है। ईवा सॉल इसकी खासियत ही होती है, वैसे कैंपस में ही होता है खासियत। उसके बाद हम बात करते हैं शूज़ के हाइट के ऊपर, शूज़ का हाइट है 2.8 इंच, और ये आपके लिए परफेक्ट है वगैरह अगर आप कंटिन्यू पहन के रखते हैं तो भी बहुत तगड़े हैं। हाइट को लेकर बात करते हैं, एक शूज़ का हाइट रहेगा 120 ग्राम, और दोनों शूज़ का हो गया 240 ग्राम, तो इसमें कोई वेट भी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद हम फाइनली बात करते हैं MRP के ऊपर, MRP है इसका 1399, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अब बात करते हैं फाइनली आपको खरीदा कहाँ से, ये एड्रेस है रोजपुर हाउस पुलिस सिटी, और सेकंड एड्रेस है कृष्णा फुटवेयर, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। जो पास के इलाके में रहते हैं वो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, बाकी दूर के हैं वो अपने हिसाब से ऑनलाइन परचेस करें। और कैसा लगा वीडियो, और कौन सा अनबॉक्सिंग नेक्स्ट चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।